दोस्तों, अखबारों में आपने खबरें पढ़ी होंगी कि पाकिस्तान ने ऐतिहासिक शारदा पीठ को तोड़कर वहां पर कॉफी शॉप बना दी। हमारे देश में लोग वाग पाकिस्तान को ऐतिहासिक चीजों का महत्व बताने लगे, यूनेस्को के नियम पढ़ाने लगे। हमने भाई साहब माथा पकड़ लिया। ऐसी बातों को सुनने के लायक पाकिस्तान है? आप बताइए। अरे वो नंबर एक के दुष्ट लोग हैं, उनको सबक सिखाने का तरीका कुछ और है। अभी कुछ महीनों पहले अखबारों में खबर आई थी कि अमित शाह जी ने कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में तीतपाल गांव में शारदा पीठ के एक टेम्पल का उद्घाटन किया था। इस टेम्पल से होते हुए ही पहले लोग बाग शारदा टेम्पल तक जाते थे, तो ये एक तरह का कॉरिडोर है जिसको चालू करने की बात चल रही है। तो हमारा कहना है, क्या फालतू में कॉरिडोर 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 करते रहते हो? अरे भैया जी, दुनिया में किसी से नहीं सीखना, हमें इसराइल से सीखना है। इसराइल पर जितनी बार आक्रमण होता है, हर बार वो एक्स्ट्रा जमीन दाब लेता है, उस जमीन पर वो अपने लोगों को बसा देता है। तो जो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वो पुरानी बातें हो चली हैं जनाब। अब कुछ नया करने का जमाना है। पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक तो होना चाहिए, लेकिन साथ में पाकिस्तान को उसके हर हमले का खामियाजा भारत को जमीन देकर चुकाना पड़े, ये भारत ने सुनिश्चित करना चाहिए। अरे एलओसी से मात्र 10 किलोमीटर उस तरफ है। दूसरा, एकदम पाकिस्तान से पूरा का पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने से अच्छा है, धीरे धीरे करके। ये वैसे चाइनीज स्ट्रेटजी है सलामी स्लाइसिंग की, दुश्मन को काटना है लेकिन धीरे धीरे हलाल किया जाना चाहिए। पॉइंट दोस्तों यह है कि पूरा पीओके एक बार में लेने पे बहुत बड़ा विवाद हो सकता है, तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन बीच में बड़े टारगेट को हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। रही बात यह कि आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान परमाणु शक्ति है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर लेगा, तो भाई साहब वो पाकिस्तान आपसे कई गुना होशियार है। शारदा पीठ के लिए वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची का भविष्य दांव पर नहीं लगाएंगे। दोस्तों बात सही है कि ये काम बहुत कठिन है, तो मोदी जी इसीलिए तो बैठाए हैं दिल्ली में। मोदी जी तो खुद कहा करते थे कि मुझे मक्खन पर लकीर खींचने के लिए नहीं, पत्थर पर लकीर खींचने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो मौका सामने खड़ा है, चुनाव सामने है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगले 36 दिनों के बाद 1 जनवरी 2024 से हमारे तीनों आत्मनिर्भर इन्वेस्टर फ्यूचर्स एवं ऑप्शंस कोर्स की फीस डबल होने जा रही है। इसलिए शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अपना पसंदीदा आत्मनिर्भर इन्वेस्टर फ्यूचर्स एवं ऑप्शंस कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा।